मैंने YouTube में भी देखा था कि मतलब बाबा जी के पास एक शक्ति थी, उड़ने की शक्ति थी, कुछ ऐसा भी था? वो जल में, पानी में चल देते थे, हवा में जैसे चल रहे हैं ऐसा उनका हमने देखा, पानी में चलने का, पानी में चलते थे। जैसे दूर जगह, जैसे यहाँ पर ध्यान में बैठे हैं तो अब दूर की वस्तु को देख देना, अच्छा, वहाँ के बारे में बताना कि वहाँ वैसा हो गया है, ऐसी शक्ति थी उनके पास, ऐसे दर्शन देना। एक समय में कई जगह मतलब वो योगदान देना। यही मस्त लग रहा है यार, देख रहे हो, जबरदस्त लग रहा है यार। ये देखो यहाँ पे अपना आराम से बैठो, बातचीत करो। ये देखो पत्थर तोड़ के बनाया हुआ है, बैठो ऊपर, क्या ही जबरदस्त हरियाली देखो यार, क्या ही हरियाली। देखो रहना ना इस आश्रम में तो आप आके रह सकते हो यहाँ आश्रम में, दर्शन कर लो इस मंदिर के, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोग ना आ नहीं पाते इस मंदिर में, पर्टिकुलर इस मंदिर में, क्योंकि आप लोग देखो उस आश्रम में तो आराम से आ जाओगे, बट जो ये पानी का फ्लो है ना, ये क्रॉस करके आना काफ़ी टफ है। देखो वो लोग भी ट्राई कर रहे थे लेकिन वापस चले गए, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। सो व्हाट्स अप लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं आपका एफएमआर एडवोकेट रॉय। तो कैसे हो दोस्तों, देखो आज मैं ना अपनी लाइफ में पहली बार एक ऐसी जगह जाने वाला हूं जहां मैं कभी नहीं गया, आप सब बहुत लोग भी नहीं गए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने बहुत जगह नाम तो सुना होगा आश्रम, ठीक है। तो मैं आज एक ऐसी आश्रम में जाने वाला हूं जो कि हमारे यहाँ से पड़ता है अप्रॉक्स, मेरे को पता नहीं कितना किलोमीटर दूर पड़ता है, क्योंकि हल्द्वानी से ही थोड़ा सा ऊपर है वो, बट एग्जैक्ट नहीं पता कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है। बट वो जो है उसका नाम है हेड़ा खान, ठीक है, जगह का नाम है हेड़ा खान, और हेड़ा खान बाबा मतलब बाबा के नाम से ही फेमस है वो आश्रम। तो आज मैं वहीं लेके जाऊंगा आपको, और देखते हैं, मतलब मैंने सुनने में आया था कि वो जो बाबा है ना, बाबा को बहुत सारी सुपर पावर टाइप की थी, मतलब कुछ लोग कहते थे वो उड़ पाते थे, अब पता नहीं एग्जैक्ट, मेरे को नहीं पता, वो जो भी है वो वहाँ पे जाके पता लगेगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं वहीं पर और करते थे व्लॉग को स्टार्ट। तो विदाउट स्किप करके दोस्तों ये व्लॉग देखना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को और चलते हैं फटाफट। Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. तो गाइस मैं पहुंच गया हूं इस टाइम काठगोदाम, ठीक है। तो यहां से हमने जाना है अप्रॉक्स, यहां से 25 से 30 किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कितना किलोमीटर है, बट चलते हैं ऊपर और आपको दिखाऊंगा, आगे जाके बता दूंगा कितना किलोमीटर एग्जैक्ट है यहां से, ठीक है। तो ये है काठगोदाम, तो यहां से भी ऊपर जाना हमने, तो चलते हैं ऊपर और दिखा देता हूं आपको। सो गाइस ये वाला बोट देख लो, इस वाले बोट से मतलब यहां से हमने जाना है, ठीक है। ये वाला रोड निकल गया नैनीताल को, और ठीक है नैनीताल भीमताल निकल गया, बट हमने इधर नहीं जाना है, हमने इस वाले यहां से निकलना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ये देख लो बोर्ड कुछ ऐसा लगा हुआ होगा सारा बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं, तो ये देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है हेड़ा खान का, ठीक है, 35 किलोमीटर दूर है। तो निकलते हैं यहाँ से पहाड़ों के ऊपर। तो ये देखो हेड़ा खान रोड पे आते ही क्या ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो मतलब शुरुआत ही इतनी खूबसूरत हो रही है, तो आगे जाकर तो क्या ही बताऊँ, इतना ज़बरदस्त आने वाला। तो व्यू देखो क्या ही ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ से। तो लेके चलता हूँ आपको हेड़ा खान की ओर, और देखते हैं वहाँ का व्यू कैसा है, मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ। और यहाँ से देखो एक नज़ारा, पूरा का पूरा काठगोदाम दिख रहा है यहाँ से, देख रहे हो क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा जूम मार के देखता हूँ, ये देखो पूरा पूरा काठगोदाम दिख रहा है, क्या ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। रियर आंखों से तो मज़ा ही आ जा रहा है, कैमरे में पता नहीं इतना क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है, बट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एक वो देखो वहाँ आपको अगर दिख रहा होगा, पूरा हल्द्वानी दिख रहा है। अभी चलते हैं, शायद एक स्पॉट ऊपर है वहाँ से पूरा दिखता हुआ क्लियर। तो देख लो क्या ही मस्त और क्या ही मस्त नज़ारा यहाँ का, देख लो क्या ही ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है यार दोस्तों। अब चलते हैं ऊपर और कैरी करते रहते हैं व्लॉग को, और आप कंटिन्यू देखते रहना, स्किप मत करना दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एक तो ये देखो हरियाली और नेचर से रिलेटेड होते हुए जा रहे हैं हम लोग, तो पूरा दिखाऊँगा और पूरा आनंद लेते हुए चलते हैं ऊपर। तो गाइस मैं क्या ही बताऊँ आपको, थोड़ा सा ऊपर और आया हूँ और एकदम से आ गई बारिश, तो अगर आपको सुनाई दे रहा होगा देखो बारिश की आवाज़ आ रही है। तो मैंने पता है इस बार क्या अच्छा काम करा, ये देखो मैं लेके आया हूँ रेनकोट, ठीक है। तो मेरे पास मैंने खरीदा रेनकोट और सिर्फ एक बार यूज़ करा, तो मैंने सोचा इस बार रेनकोट लेके जाता हूँ और अब पहनते रेनकोट और बारिश आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे टपाटप ऊपर, ठीक है। तो
पहले पहन लेता हूँ, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ से भी देख लो नज़ारा क्या ही ज़बरदस्त वाला यार, मज़े आ जा रहा है। ये देख लो पूरा का पूरा हल्द्वानी शहर है ये, ठीक है, कितना ही बेहतरीन लग रहा है यार, ज़बरदस्त। और वो देखो वहाँ पे अगर आपको दिख रहा, थोड़ा जूम मारता हूँ पहले, ये आपको दिख रहा है, ये अपना है हल्द्वानी का स्टेडियम, ठीक है। तो यार नज़ारा तो मैं क्या ही बताऊँ यार, इतना खूबसूरत यार, ज़बरदस्त वाला लग रहा है फीलिंग। ये देख लो क्या ही मस्त लग रहा है यार, ज़बरदस्त, एक नंबर लोकेशन लग रहा है यार, यहाँ से मज़ा आ गया दोस्तों। चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये देखो दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, और अभी हो रही है बारिश, ठीक है। ये देखो बारिश हो रही है, तो दो चार मिनट के लिए यहाँ रुक गया हूँ मैं। सो दोस्तों ये जो रेनकोट लाके ना मैंने बहुत ही बढ़िया काम करा, क्योंकि पूरे रास्ते जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ तो बारिश, जब से मैंने रेनकोट डाला उसके 10 मिनट बाद से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और मतलब बारिश में भीगते भीगते बाइक चलाने का अलग ही आनंद आता है। तो काफ़ी सही लगा मेरे को रेनकोट, मतलब यूज़ ही नहीं आ रहा था इस साल, तो यूज़ आया ही नहीं, तो इस बार लाके काफ़ी अच्छा काम करा। और आप लोग व्यू तो देख ही लो, क्या ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है ना आज का, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और बहुत ही मतलब यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर रह गया होगा आश्रम, तो चलते हैं वहाँ पे। और ज़्यादा रास्ते का शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मेन तो आपको आश्रम ही है, तो आश्रम चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाता हूँ आश्रम कैसा है। तो आओ चलो चलते। तो ये देखो दोस्तों आपको दिख रहा है बोर्ड, ये देख लो दिख रहा है ना बोर्ड, तो यहाँ से इधर नहीं जाना, ये बोर्ड लगा हुआ है तो यहाँ से इधर जाना, तो ये भी आप नोटिस कर लेना। तो चलता हूँ, भीगा हुआ हूँ काफ़ी, तो अंदर चलते हैं फिर आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो दोस्तों यहाँ से कुछ मेन एंट्रेंस है आश्रम का, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है आश्रम। व्यू देख लो दोस्तों क्या ही बेहतरीन यार, देख रहे हो क्या ही ज़बरदस्त आश्रम है, आप लोग देख लो ऐसा व्यू और इतना बेहतरीन आश्रम, तो काफ़ी यार अच्छा है, काफ़ी सुकून है यहाँ पे, है ना, काफ़ी सुकून है इस आश्रम में। तो ये देखो आते ही यहाँ पे बजरंगबली और श्री कृष्ण फ़ोटो लगी हुई है, और मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे जाना होगा, तो चलते हैं देखते हैं। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। ये देखो क्या ही ज़बरदस्त भोलेनाथ का पेंटिंग बनाया है किसी ने, और ये बाबा जी का दर्शन कर लो, चरण स्पर्श कर लो। तो चलते हैं, काफ़ी पुराना है ये, अभी बताऊंगा आपको मैं कितने साल पुराना है ये आश्रम, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर जाने का भी है, तो यहाँ हम भी सोच रहे हैं जूता उतार के जाते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये देखो, ये है बाबा जी की तस्वीर, तो ये देख लो कितनी सारी तस्वीर लगी हुई इनके, मतलब बचपन से लेके बड़े और जब तक ये जीवित थे, ठीक है, जीवित क्या ये अमर ही है, मैंने पूछा था वो कह रहे थे बाबा जी ख़त्म नहीं हुए हैं, बाबा जी है। तो ये देखो कितने सारे बचपन से लेके सारे फ़ोटोज़ देख लो आप लोग एक बार। वाह, अब चलते हैं इस वाले साइड, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूँ, इस चीज़ का ज़रूर बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, जूते वूते पहन के मत जाना। तो यहाँ पर भी एक आश्रम में मंदिर है, तो पहले यहाँ चलते हैं, आ जाओ। तो ये देखो क्या ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लग रहा है मंदिर इस मौसम में, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो बाबा जी के चरण बनाए गए हैं यहाँ पे,
तो ये भी दर्शन कर लो आप लोग जो जो नहीं आ सकते। और ये देख लो, ये है बाबा जी की मूर्ति बनाई हुई है। तो और भी जो होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप आते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, जूते पहन के प्लीज़ मत आना। तो ये देखो क्या ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो अभी मंदिर खुल गया दरवाज़ा वहाँ पे? हाँ, 2 बजे का है। 2 बजे खुलता है? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं, दर्शन करके आते हैं हम। 2 तो बजने ही वाला है। हाँ, तब तक बज जाएगा। तो ये भी एक बाबा जी हैं यहाँ के। और ये देख लो, किसी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया सी पेंटिंग बनाई हुई है, देखो क्या ही बेहतरीन लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। तो आओ चलते हैं फिर नीचे की साइड। और हाँ जी बाबा जी, YouTube है ना चैनल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पर आपके इनके बारे में आपको लोगों के बहुत कुछ कहा है। अच्छा, नहीं मेरा भी एक चैनल है, तो मैं भी अच्छा अपना वैसे ही बनाने आया हूँ। हाँ, तो आप भी थोड़ा कुछ बताइए यहाँ के बारे में। हरा खान जगह का नाम है। अच्छा, इस जगह के नाम से बाबा जी को हरा खान वाले बाबा कहते हैं। अच्छा, वो शिव जी के अवतार भी बताते हैं, महाप्रभु प्रभु अनेक नाम उनके हैं। हाँ। और उनके बारे में कौन हैं, कहाँ से आए, कोई पता साबित नहीं हो सका। और अच्छा, वो अपना अपना अनुभव है लोगों को। कोई कहते हैं हमारे माता जैसी लगते हैं, कोई गुरु, कोई भाई, इस तरह का मतलब उनका। नहीं तो मैंने YouTube में भी देखा था कि मतलब बाबा जी के पास एक शक्ति थी, उड़ने की शक्ति थी, कुछ ऐसा भी था। वो जल में, पानी में चल देते थे, हवा में जैसे चल रहे हैं, ऐसा उनका हमने देखा। पानी में चलने का, पानी में चलते थे। हाँ, जैसे दूर जगह, जैसे यहाँ पर ध्यान में बैठे हैं तो अब दूर की वस्तु को देख देना। अच्छा, वहाँ के बारे में बताना कि वहाँ वैसा हो गया है, ऐसी शक्ति थी उनके पास, ऐसे दर्शन देना। एक समय में कई जगह मतलब वो जो दान देना, और उनके बारे में वर्णन पुस्तकों में उनका साहित्य बना हुआ है। अच्छा, हराखंडी समाज का ने उनका सब बनाया है। और उनके कई 82 देश के लोगों के लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ विदेश के लोग भी रहते हैं ना? 82 देशों के लोग आते हैं। अच्छा, 82 देशों के, 82 आते रहते हैं। 82। अच्छा अच्छा, और कितने साल पुराना हो गया ये? इनके बारे में कोई पता नहीं है कितना पुराना मंदिर है ये। अच्छा, और ये आश्रम 1800 से 1920 तक तो पुराने वाले बाबा जी रहे थे। अच्छा, वो अंतर्धान में कह गए कि मैं फिर आऊँगा, तो फिर बाबा 1970 में आए दूसरे रूप में। अच्छा, तो वो 14 फरवरी 1984 में समाधिष्ट हो गए, इनकी समाधि है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, जो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, यहीं पे देखो समाधि बनाई गई है। और ये आश्रम कितने साल हो गए बाबा जी? इस आश्रम को मैं 77 से जानता हूँ, मैं 77 में यहाँ आया था। 1977 में। अच्छा, यहाँ मैं आया था। दोस्तों ये वाली कहानी ना कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जा रही थी, ठीक है, तो मैंने सोचा इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो क्योंकि बाबा जी ने जब वो स्टार्ट करा, कम से कम 10 मिनट तक उन्होंने मतलब उनके बारे में बताया, हेड़ाखान बाबा के बारे में, तो मैंने सोचा चलो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाबा जी की कहानी के नाम से, ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करता। मैंने बाबा जी से मतलब थोड़ा पूछा यहाँ के बारे में, मतलब कितना टाइम पुराना है और क्या क्या है, सब कुछ आप लोगों ने खुद सुनी लिया है। तो आप क्या करते हैं, आप चलते हैं मंदिर, मंदिर का टाइम है 2 बजे, ठीक है, तो आप चलते हैं मंदिर और मंदिर दर्शन करके आते हैं। दोस्तों वो देखो आपको दिख रहा है वहाँ पे मंदिर, तो वहाँ जाने के लिए हमें ये यहाँ से पूरा पैदल जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पे और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो आपने अभी देखा जो यहाँ के बाबा जी है, यहीं पे रहते हैं मतलब आश्रम में, तो उन्होंने कितनी सारी बातें बताई है कि मतलब कर्म ही सबसे मेन होता है, तो कर्म अच्छा करो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, तो चलते हैं। दोस्तों आश्रम तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है, और वैसे भी पहाड़ों के बीच में है तो ऑब्वियसली बात है साफ़ सफाई तो होनी है। काफ़ी लोग भी आते जाते हैं यहाँ पे, आप लोग खुद देख लोगे। तो चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाता रहूँगा मैं, पैर हिल रहे हैं मेरे, मैं दिखाता हूँ क्यों। ये देखो यहाँ ना पत्थर लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा पैर भी हिल रहा है मेरा, और मतलब कैमरा भी थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। तो चलते हैं आगे और देखो नज़ारा, देखो क्या ही ज़बरदस्त मज़ेदार जगह यार। आप लोग भी आओ दोस्तों, कभी ना कभी ज़रूर आना इस जगह, ठीक है, तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ जाने के लिए ये देखो, ये पूरा हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वो देखो वहाँ है मंदिर, और ये मंदिर का टाइमिंग है 2 बजे खुलता है, ठीक है, तो काफ़ी यार देखभाल करके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर ना काफ़ी स्लिपरी भी होता है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं
आज हमने भाग पाया है दर्शन करने का, तो चलते हैं। व्यू देखो दोस्तों, क्या ही जबरदस्त व्यू आ रहा है यार, देखो मज़ेदार व्यू। अरे गाइस ये तो सीन हो गया हमारे साथ, अब हम ये फ्लो देखो कितना तगड़ा फ्लो है यार, और मंदिर ये है तो वहाँ जाऊँ कैसे, अब मैं तो यही सोच रहा हूँ। फ्लो तो काफ़ी तेज आ रहा है फ्लो यार, कैसे जाऊँ उधर, मैं तो यही सोच रहा हूँ। उधर तो यार उधर से भी लेकिन आया भी नहीं जाएगा, कैसे जाया जाएगा उधर। तो अब गाइस कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा, अभी ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस पार, तो देखते हैं भोलेनाथ का नाम लेते हैं और चलते हैं उस पार। चलो बस भोलेनाथ गिरवाना मत मुझे, बात बाकी तो जो भी हो जाए, पर्स वर्स ना गीला हो। हाँ अब चलो, अरे हो गया पार यार, तू भी लौंडे यार। चलो अब देखो फ्लो देखोगे गाइस कितना ज़्यादा फ्लो है इसमें, क्या ही बताऊँ आपको मैं, बहुत तेज़ी का फ्लो है ये, देखो देख रहे हो कितना तेज़ फ्लो है। और इधर भी दिखा दूँ आपको मैं, बड़ा ही तगड़ा फ्लो आ रहा है, बहुत ही तगड़ा फ्लो। तो आगे जाके दिखाऊँगा अपनी हालत क्या हुई है, कहाँ तक हम लोग गीले हो गए, ठीक है। चलो दर्शन तो करना ही था, सही हो आ ही गए इस पार। चलो जय भोलेनाथ। सो गाइस देखो पार तो हमने कर लिया है, बट ये देखो मैं कितना सारा भीग गया हूँ, ठीक है ये दिखा देता हूँ आपको। तो ये देख लो यहाँ तक का पानी था, ठीक है। तो अब दर्शन करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो अब चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो ये देख लो इधर भी ना कुछ लोग भी आ रहे हैं, ये देख लो ये भाई लोग भी ऐसे क्रॉस करके आ रहे हैं, तो चलते हैं और दर्शन करते हैं आगे चल के। चलो आओ। सो दोस्तों ये देखो हम पहुंच गए हैं यहाँ के फाइनली मंदिर में, काफ़ी मेहनत करने के बाद, क्योंकि ये क्रॉस करना है काफ़ी तगड़ा टास्क है, और वो है अपना आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इस मंदिर में। सबसे पहले तो ये देखो ये जिसने भी ये बनाया हुआ पेंट काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। तो एक बार देख लो दोस्तों आखिरी में, फिर से एक बार और दर्शन कर लो इस मंदिर के, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोग ना आ नहीं पाते हैं इस मंदिर में, पर्टिकुलर इस मंदिर में, क्योंकि आप लोग देखो उस आश्रम में तो आराम से आ जाओगे, बट जो ये पानी का फ्लो है ना ये क्रॉस करके आना काफ़ी टफ है। देखो वो लोग भी ट्राई कर रहे थे लेकिन वापस चले गए, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। तो मैं आया हूँ तो मैंने कहा चलो एक बार दर्शन करवा देता हूँ आपको बहुत प्यार से, ठीक है। और ये देखो गौ माता भी है यहाँ पे, तो चलो चलते हैं आगे चलते हैं। अब मेन ये भोलेनाथ का भी मंदिर है, और देखो वहाँ पे लिखा होता है ना हरे कृष्णा, तो कृष्ण मंदिर भी है, तो इसलिए देखो गाय तो रहते ही यहाँ। चलो चलते हैं क्रॉस करके फिर चलते हैं उस पार। तो अब दोस्तों फिर से उस पार जाना है, जो कि काफ़ी एक तगड़ा सा टास्क हो जाता है हमारे लिए कि यार वाकई में टास्क है ये, कोई आएगा ना तो उसी को पता लगेगा कि यहाँ से वहाँ पार करना कितना टफ होता है, ठीक है। तो तू इधर जा, चलते हैं। और आप भी यही टेक्निक अपनाना, दोनों जने ना ऐसे हाथ बांध के फिर जाना, ताकि फ्लो भी थोड़ा सा आपके सामने फीका तो नहीं पड़ता, लेकिन जाना है तो भैया जाना ही है, चलते हैं। पानी का यार भाव इतना तेज है ना, देख लो कितना तेज है, इधर भी देख लो कितना तेज है। अरे हाय इस बार तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया, मेरा फ़ोन भी गया है इस बार मेरा फ़ोन भी गया।
फ़ोन निकाल लेता हूँ पहले मैं। फ़ोन भी शुक्र है कुछ हुआ नहीं। पैंट ये देखो, क्योंकि यहाँ तक पानी आ गया मेरे यहाँ तक। चलते हैं आगे, देखता हूँ या पर्स वर्स निकालते हैं। चलो चलो, जय भोलेनाथ। चलो सही से दर्शन तो हो गया, कपड़े तो जाते आते सूख भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन मेरे को टेंशन हो रहा था फ़ोन का, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी नहीं गया होगा, क्योंकि यार ये देखो ये गीला हो गया था, मेरे यहाँ तक आ गया पानी इस बार, यहाँ तक पीछे भी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं उस पार। ओह, लेकिन यार एक चीज़ तो है भाई साहब, ये जो जगह है ना, इतनी यार पीसफुल जगह है, आपको क्या ही बताऊँ। आप लोकेशन नहीं देख लो यार, क्या ही ज़बरदस्त लोकेशन है। पीछे मंदिर है और इस साइड को वो देखो, उधर को हो गया आश्रम, तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। अगर पीस चाहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ एक आध दिन आके यहाँ पे रह भी सकते हो, ठीक है। और जो मतलब वहाँ पे एक फॉर्मेलिटी होती है ऑफिस में, आप अपना आके आधार कार्ड दो, और अगर आप रहना चाहते हो एक दो दिन इस आश्रम में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप रह सकते हो इस आश्रम में, ठीक है। तो व्यू तो यार क्या ही बोलूँ, ज़बरदस्त मज़ेदार लोकेशन है यार। चारों तरफ का व्यू देख लो, इतना ज़बरदस्त लोकेशन है ना यार भाई साहब, मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलो चलते हैं उस पार, ठीक है। तो अभी तो हमने पहले जाना, वो देखो आश्रम दिख रहा है पीछे, तो पहले आश्रम पहुंचते हैं, फिर वहां से थोड़ा बहुत अगर दिखाने वाला है तो वो भी दिखाता हूं, फिर चलते हैं। क्योंकि व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो रहा है, बट मुझे पता है बहुत लोगों ने स्किप करा होगा, बट स्किप मत करके देखो तो ही आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या क्या है। और मतलब जो दिखाया था ना पंडित जी ने बोला था, वो तो आपने बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा। तो चलते हैं पहले वहाँ पे, फिर अगर थोड़ा बहुत और भी होगा तो वो भी डिटेल आपको दे देता हूँ। तो चलो लेट्स गो। यही मस्त लग रहा है यार, देख रहे हो, ज़बरदस्त लग रहा है यार। ये देखो यहाँ पे अपना आराम से बैठो, बातचीत करो। ये देखो पत्थर तोड़ के बनाया हुआ है, बैठो ऊपर, क्या ही ज़बरदस्त हरियाली। देखो यार क्या ही हरियाली, देखो रहना ना इस आश्रम में तो आप आके रह सकते हो यहाँ आश्रम में, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। और अमरूद देखो, कितने सारे अमरूद गिरे हुए हैं, और ऊपर ये जो है अमरूद का पेड़ है ये। तो चलते हैं, बड़ा ही बहुत अच्छा लगा यार आश्रम, काफ़ी यूनिक आश्रम है। ये देखो हरियाली हरियाली, देखो क्या ही ज़बरदस्त हरियाली चारों तरफ यार। तो आते टाइम देखो इतने सारे सीढ़ियाँ हम उतर के आए थे, अब इतने सारे सीढ़ियाँ में चढ़ के जाना है। तो चलो चलते हैं। ये देखो माँ काली की किसी ने पोस्ट फोटो टाइप में बनाई है, आप भी आओ अपना के कुछ भी बना सकते हो, देख रहे हो। चलो चलते हैं ऊपर। तो ये देखो दर्शन तो हमने कर लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो दो हीरो आ रहे हैं, ये मतलब गेट हो गया यहाँ से वो उस मंदिर जाने के लिए, वो वाला मंदिर जाने के लिए। सीढ़ी चढ़ के थोड़ी सी सांसें फूल गई है, और कुछ नहीं। तो अगेन हम वहीं पहुँच गए जहाँ हमें बाबा जी मिले थे यहाँ पे, चलते हैं। ओम नमः शिवाय। सो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको बहुत सारा धन्यवाद। और अब करते क्या है, इस व्लॉग को फिर एंड कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग भी हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ, एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और अगर जो भी नहीं गया इस मंदिर, मतलब मंदिर भी है ये, एक आश्रम भी है हेड़ा खान बाबा के नाम से, तो एक बार जरूर जाना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत मतलब पहाड़ों के बीच में आश्रम बना हुआ, तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। तो चलो इसको फिर यहीं रखते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इसका ना सेकंड पार्ट फिर से अभी आने वाला है, ठीक है। जो बाबा जी ने बताया था, बाबा जी ने अप्रॉक्स 10-12 मिनट का बताया था हेड़ा खान बाबा के बारे में, तो उसका फिर ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, तो मैं उसके सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर किसी को देखना है बाबा के बारे में नॉलेज चाहिए तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं, और अगर कोई भी पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।